सोहना गुरुग्राम मार्ग पर स्थित जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में उस समय अचानक जय श्री राम के नारों से गूंजने लगी, जिस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को ये जानकारी लगी कि यूनिवर्सिटी के एक वीसी द्वारा एक समुदाय के छात्रों के लिए नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट किया गया है। वैसे ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्र नमाज के लिए अलॉट किए गए रूम का विरोध करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए नमाज के लिए रूम अलॉट करने वाले वीसी के कार्यालय तक पहुंच गए। छात्रों द्वारा विरोध जताने की खबर यूनिवर्सिटी में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले छात्रों को शांत करवाया गया और आनन-फानन में मामले को शांत करवाया गया। हालांकि मामले की जानकारी पाकर सोहना सिटी थाना पुलिस के प्रभारी व गुप्तचर विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शांत करवा चुके थे, जिसके चलते ना तो पुलिस को यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से और ना ही छात्रों की तरफ से कोई लिखित शिकायत दी गई, जिस कारण पुलिस ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि अगर शिक्षण स्थानों में भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के चंद लोगों द्वारा धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाएगी तो फिर शिक्षण संस्थानों और मदरसों में क्या अंतर रह जाएगा। हालांकि वीसी द्वारा नमाज के लिए अलॉट किए गए रूम को लेकर हिंदू संगठनों में काफी रोष, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मामले में हिंदू संगठनों द्वारा इस तरह के संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की आगामी पहल शुरू की जाती है, ताकि आगे से कोई संस्थान इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।